नमस्कार, आदाब। मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक का डेली राउंडअप शो। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। किसान आंदोलन, पीछे नहीं हटेंगे किसान। तमिलनाडु, डिफरेंटली एबल्ड लगातार उठा रहे हैं अपनी मांगे। बावल राजस्थान, कई दिनों से महिला मजदूर कर रही हैं फैक्ट्री गेट पर प्रदर्शन। हमारी चौथी और आखिरी खबर, कोविड-19, देश के कुछ राज्यों में फिर बढ़ रहे हैं मामले। किसान आंदोलन लगातार मजबूत होता जा रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से इस हफ्ते के लिए कई कार्यक्रमों का ऐलान हुआ। इसी कड़ी में कल किसानों ने दो नेताओं अजीत सिंह और स्वामी सहजानंद सरस्वती को याद किया। इसे पगड़ी संभाल जट्टा दिवस कहा गया। इस मौके पर पंजाब हरियाणा सहित अन्य जगहों पर कई सभाएं हुई। सिंघू बॉर्डर पर शहीद भगत सिंह के परिजन भी स्टेज पर मौजूद थे। कल अजीत सिंह यानी भगत सिंह के चाचा की 140वीं जयंती थी। उन्होंने 1907 में अंग्रेजों के खिलाफ एक सशक्त किसान आंदोलन चलाया था। दिलचस्प है कि वह आंदोलन भी अंग्रेजों के द्वारा लाए गए 3 कानूनों के खिलाफ था। इसके साथ ही किसानों ने महान किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती को भी कल याद किया, जिन्होंने 1920 के बाद से बिहार में किसानों और खेत मजदूरों को संगठित किया था। उन्होंने बहुत से मजबूत किसान आंदोलन चलाए और किसान सभा को गठन किया, जो आगे चलकर 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा बनी, जो आज भी देश के सबसे बड़े किसान आंदोलनों का नेतृत्व कर रही है। किसान संगठनों ने आने वाले दिनों के लिए भी ऐसे कई कार्यक्रम तय किए हुए हैं, लेकिन फिलहाल किसान आंदोलन की सबसे ज्यादा ताकत महापंचायतों में साफ झलक रही है। कल राजस्थान के सीकर में ऐसी ही विशाल महापंचायत हुई। आइए देखते हैं न्यूज क्लिक की यह ग्राउंड रिपोर्ट। कहना चाहते हैं सरकार को कि तीनों कानून, काले कानून है, उनको वापस लो और किसानों की उपज का उचित मूल्य दो। न्यूनतम मूल्य मांग रहे हैं हम तो वो सरकार को सुनना चाहिए, वरना सरकार के लिए नुकसान ही है। क्या फायदा है छोटे काश्तकारों का? तो बाजरा 1100 रुपये बिक रहा है, MSP 2100 रुपये है, लिया तो नहीं किसी का 1 kg। और हमारे सीकर में तो MSP पर खरीद होती नहीं है कोई, बिल्कुल 1-2% ही नहीं होती है। व्यापारियों की होती है, ये MSP पर बेचते हैं वही व्यापारी बेचते हैं, सबको पचाती है। MSP पर बेचते तो 200 रुपया बोरी का दो, तब MSP पर खरीदते हैं। पूरा फर्जीवाड़ा है यहाँ पर। MSP की गारंटी क्यों नहीं देते हैं? और हमारे तो यहाँ MSP पर खरीद हो रही नहीं है। पूरे देश में 6% से ज़्यादा खरीद नहीं हो रही है, तो 100% खरीद होनी चाहिए MSP पर। पैदा तो किसान करता है, व्यापारी और अन्य तो करता नहीं है, तो इसलिए किसान पैदा करता हो तो उसका संपूर्ण माल खरीदा जाना चाहिए, चाहे जो हो, गेहूं हो, सरसों हो, चना हो, बाजरा हो। अब बाजरा हमारे यहाँ बिकता है 1100 से 1200, MSP 2100, एक लागत 2000 रुपये आती है बाजरा की, 200 भी ज़्यादा आती है, नहीं मिलती नहीं है। तो MSP पर खरीदिए तो किसान बची जाए, पर MSP बाजरा की रेट 2100 है, 1200 रुपये बिकेट है। गारंटी यदि MSP दे रही है तो गारंटी दे, हम क्या हटा रही है सरकार के? कानून ही बना दिया कि MSP नीचो खरीदियो नहीं जाए, तो किसान को बोलो मत ही जैसे अपने आप ही। अरे नाव ले भाई, MSP पर खरीदा हाथ को नहीं, कुछ लिमिट नहीं है, कोई भी लिमिट नहीं है यहाँ। तमिलनाडु एसोसिएशन फॉर द राइट्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ डिफरेंटली एबल्ड एंड केयर गिवर्स के बैनर तले तमिलनाडु राज्य के लगभग 32,000 डिफरेंटली एबल्ड लोग लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्षरत हैं। इसी के तहत महीने की शुरुआत में यानी 8 से 9 फरवरी को अलग अलग जगहों पर करीब 180 सरकारी कार्यालयों का घेराव भी किया गया था, लेकिन सरकार द्वारा लगातार अनदेखी के चलते कल यानी 23 फरवरी से उन्होंने एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन किया और अपने आंदोलन को और तेज करने की बात भी की। उनकी मुख्य मांगों में वित्तीय सहायता, सरकार द्वारा निश्चित रोजगार की गारंटी आदि शामिल है। न्यूज़ क्लिक ने आंदोलन में शामिल लोगों से बात की। आइए देखते हैं क्या है उनका कहना। இப்போ ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுதா இருக்கிறேன். இந்த ஊக்கத்தொகை, உதவி ஊக்கத்தொகை மட்டும் 1000 ரூபாய் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா என் குடும்பத்துக்கு ரொம்ப நல்லதா இருக்கும்.
அது வந்து எனக்கு ரொம்ப கொஞ்சம் பயனுள்ளதாக இருக்கும். ஐயா பத்தலையா, அரிசியே வந்து 60 ரூபாய் 80 ரூபான்றாங்க ஐயா. ஒரு கிலோ 60 ரூபாய் 70 ரூபாய் இருக்கிற சமயத்தில் நான் எப்படி ஐயா ஒரு மாற்றுத்திறனாளி 2 குழந்தை வச்சுருக்கேன், எனக்கு ரெண்டுமே பொண்ணு பசங்க தான், ஒரு மாற்றுத்திறனாளி பசங்க இருக்கும், அந்த குடும்பத்தை பார்க்கணும், திடீர்னு ஹாஸ்பிட்டல் செலவு வரும், நிறைய செலவு வரும், 1000 ரூபாய் பத்துமா? பத்தாது 1000 ரூபாய். ஒரு மருத்துவமனைக்கு போனாலே சாதாரணமாக ப்ரைவேட்டில் ஹாஸ்பிட்டல் போனாலே 500 ரூபாய் 1000 ரூபாய். இது வந்து என்கோசம் நான் வந்து கண்ணீர் விட்டு நான் சொல்கிறேன், நினைக்காதீங்க. ஒரு ஒரு மாற்றுத்திறனாளிக்கும் நீங்கள் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அரசாங்கம் எதனா நடவடிக்கை எடுத்தது அப்படின்னா ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும். இப்போ என்னால் வேலை செய்ய முடியல, கை கால்லாம் உதல எடுக்குது, இப்போ சுத்தமாக நடக்க முடியல என்னால். எங்கள் வீட்டுக்காரர் ஒரு குடிகார், அவர் வேலைக்கு போக மாட்டேன், நான் வேலைக்கு போனால் தான் குடும்பம் நடத்த முடியும். இப்போ நான் கொஞ்ச நாள் போகிற வேலைக்கு வந்து 100 ரூபா தான் சம்பளம் கிடைக்குது எனக்கு. அந்த 100 ரூபா வச்சு என்னால் வாடகை கொடுக்க முடியல, என் பசங்களுக்கு படிக்க வைக்க முடியல. குழந்தைங்க ரெண்டுமே படிக்காம தான் வீட்டில் தான் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு 1 வருஷம் ஃப்ரீயாக படிச்சுட்டு இருந்தானுங்க, இப்போ திடீர்னு என்ன பண்ணுறாங்க, ஃபீஸ் கட்ட சொல்லி காசு கேட்குறாங்க. ஒரு வாரமாக வீட்டில் ஸ்கூல் திறந்து கூட பசங்க ஸ்கூலுக்கு போகிறது கிடையாது. நீங்கள் எதாவது எனக்கு ஒரு வேலை கொடுத்தாலும் சரி, இல்லை கவர்மெண்ட் எனக்கு ஒரு 5000 ரூபா உதவித்தொகை கொடுத்தாலும் சரி, எனக்கு இப்போதைக்கு எனக்கு உதவியாக இருக்கும். பட் ஹமாரி தீசரி ஹபர் கி தரஃப், ஹரியானா கே பாபல் ஔத்யோகிக் க்ஷேத்ர மே கிஹீன் ஃபைர் கம்பெனி கே கேட் பர் சேக்கடோ மஹிலா மஜ்தூர் அப்னி மாங்கோ கோ லேக்கர் 15 ஃபர்வரி சே தின் ராத் தர்னா பிரதர்ஷன் கர் ரஹி ஹேன். वेतन समझौते को लेकर हुए विवाद के बाद निकाले गए मजदूरों की वापसी की मांग को लेकर महिला मजदूरों का यह प्रदर्शन जारी है, लेकिन अभी भी मैनेजमेंट इनकी मांगों पर विचार नहीं किया है। आइए देखते हैं न्यूज़ क्लिक की यह ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, अभी हम खड़े हैं हरियाणा के बावल इंडस्ट्री इलाके में केहिन 5 कंपनी के गेट के बाहर, जहाँ महिला मजदूर सैकड़ों की संख्या में 15 तारीख के बाद से लगातार प्रदर्शन कर रही हैं। उनकी कुछ डिमांड्स हैं, वो किस डिमांड को लेकर प्रोटेस्ट कर रही हैं, गर्मी में दिन में दोपहर में खुले आसमान के नीचे बैठ रही हैं और रात को भी यहीं रातें गुजार रही हैं। आइए उनसे बात करके समझने की कोशिश करते हैं कि उनका ये प्रदर्शन क्यों है और उनकी मांगें क्या हैं। हमारा ये आंदोलन हमारे एग्रीमेंट के कारण चल रहा है। हमने कंपनी हमारा हर तीन साल बाद एग्रीमेंट होता है। कंपनी से हमने समझौता कि सामूहिक पत्र डाला हुआ है जो हमारा समझौता का है, लेकिन कंपनी उस पर कोई सुनवाई नहीं कर रही है और इस पर कई वार्ता भी हुई है कंपनी में हुई है, कंपनी में कोई बातचीत आगे नहीं बढ़ी। फिर उसके बाद ALC के पास चला गया ये, फिर उसके बाद DLC के पास चला गया, लेकिन इसमें अभी कोई आगे समाधान नहीं हुआ। हमारी कंपनी वालों ने मीटिंग के दौरान ही हमारी जो वर्ष कमेटी के मेम्बर्स हैं उनको सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड करने के दौरान अगले दिन हमारी जो ये और बहनें हैं सहयोगी है ये ड्यूटी करने आई, लेकिन उन्होंने यहाँ पे बैरिकेड्स लगा दिए, लोग लगा दिए, इनको अंदर नहीं जाने दिया। अंडरटेकिंग का फॉर्म भरवाने के लिए रोक दिया, ने बोले हम अंडरटेकिंग का फॉर्म भर के ही अंदर जाना है, जिसपे उसमें बहुत सी पाबंदियाँ थी। ये समझ सकते हो कि आप उसमें मजदूर बिल्कुल गुलाम हो गया। उसमें ऐसा कुछ लिखा हुआ था कि हमारी मर्जी से ही काम करना है, सर्कल टाइम के हिसाब से काम करना है, हम दो बार ही वॉशरूम वगैरह जाना है। मतलब ऐसी पाबंदियाँ थी कि जैसे अंग्रेजों के टाइम में हुआ करती है, ऐसी पाबंदियाँ थी उसमें। अभी जब से यहाँ बैठे हैं धरने पे, हाँ जी, उसके बाद किस तरह की समस्या हो रही है? दिन में बैठ रही, रात में बैठ रही, टॉयलेट भी मेरे ख्याल से अभी 2-4 दिन पहले ही आया है। हाँ, तो किस तरह की समस्या में आ रही? कुछ आप लोगों को बाथरूम की सुविधा दी गई थी या नहीं दी गई? नहीं, इस दौरान हमें 2-3 दिन तो बहुत परेशानी हुई थी, यहाँ पे खुलने में सोच करके आना पड़ता था। उसके बाद हमने प्रशासन से कई बार गुहार लगाई है, तब जाके ये चलता फिरता वाला आया था टॉयलेट, लेकिन इसमें भी अब पानी की समस्या बहुत ज़्यादा, पानी नहीं डाल के जा रहे हैं, बार बार बोलना पड़ता है, उसके बाद आते हैं पानी डालने के लिए, और यहाँ पे टेंट वगैरह लगाने नहीं देते। इस कारण हम सारी महिलाएँ धूप में रहती हैं, दिन और रात यहीं पर रहते हैं, रात को भी यही रहते हैं, खुले में सो रहे हैं। हाँ जी, खुले में ही सो रहे हैं। अभी जैसे आप बताए थे जो आज टेंट वाले थे, हाँ जी, उनको आप ले गए हैं? हाँ जी, हाँ जी, वो टेंट वाले ले गए थे, वो टेंट हमारा किराया का था, तो इतना हमारा पॉसिबल नहीं है कि हम उनका किराया वो कर सके, इसलिए हमने उनको वापस भेज दिया और हम ऐसे दरियों पे बैठे रहेंगे। हमारी कंपनी का नाम केइन फाई है, यहाँ पे इतना ज़्यादा 100% पर काम लिया जाता है, सभी महिलाएं यहाँ पे 150 महिलाएं हैं, यहाँ पे इतना ज़्यादा बर्डन दिया जाता है कि मशीनों का जो सर्कल टाइम है उसके हिसाब से काम लिया जाता है। हम मशीन थोड़ी ना जो इतना काम कर देंगे, दो दो तीन तीन मशीनों पे एक एक महिला लगी रहती है। पानी तक की भी यहाँ पे टॉयलेट भी 8 घंटे में 2 बार जाना पड़ता है। पानी भी बोतलें लाइन पर रखवा देते हैं, उनको डस्टबिन में फेंक देते हैं,
पानी पीने का भी हमारे पास टाइम नहीं रहता, इतने करते हुए भी फिर भी हमें मतलब चैन से नहीं रहने देते, हमें बाहर कर दिया गया है। जैसे अब ये काम से हटा दिया, वापस नहीं लेते, तो इसका आपकी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ेगा? मतलब पैसा इनकम का सोर्स था ये, इनका यही मकसद है कि यहाँ कैजुअल बंदे ले लिए जाए और इन परमानेंट इनको बेरोज़गार कर दिया जाए, ये इनकी सोच है। अब हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, बड़े बड़े बच्चे हो रहे हैं, 15-15 साल हो गई हमें यहाँ पे काम करते हुए। थोड़ा जैसे यहाँ हमारा जो महिलाएं बता रही थी, यहाँ पे महिलाएं बताई थी कि कैसे जनवरी में मशीन चेंज हो गई, उसके बाद टारगेट वगैरह बढ़ा दिए, एक ही महिला को 3-3 मशीन चलाना, 3-3 मशीन, जो पहले तो यहाँ पे कार्बोरेटर बनता था, लेकिन उसके बाद जब नया प्रोडक्ट आया है थ्रोटल बॉडी, उस पर नई मशीनें हैं, उन पर एकदम से इतना टारगेट सर्कल टाइम काम बताते हैं कि भई आप हिसाब लगा तो भी नहीं बता रहे हैं, और मतलब सर्कल टाइम के हिसाब से भी ज़्यादा ये बता रहे हैं, वो अपनी मर्जी का काम करवाते हैं। जैसे कि आपने सुना ये 15 तारीख से मज़दूर यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, महिला मज़दूर बावल क्षेत्र में पूरे, इनके इस प्रदर्शन की मुख्य मांग सेटलमेंट तो है ही है, उसके साथ साथ कई और तरह की समस्याएं जिनको काम के दौरान सामना करना पड़ता है उसको लेकर भी अपने आंदोलन में सवाल उठा रहे हैं। चाहे वो इनके काम के दौरान इनको टॉयलेट जाने की पाबंदी, या पानी पीने के समय एक्स्ट्रा समय जो काम करने का, दूसरा जिस तरह से ऑटोमेशन की नई मशीनें आई हैं उस दौरान इन पर नए टारगेट बढ़ाए जा रहे हैं, जो पूरा करने में ना इनको किस तरह ट्रेनिंग दी गई है, उसके बावजूद इनसे उम्मीद की जा रही है कि ये टारगेट को बढ़ा के दें, जो इनके लिए संभव नहीं हो पा रहा। इनके ये भी सवाल है जो हम रोबोट की तरह काम नहीं कर सकते, जितनी एक कैपेसिटी है उसमें काम कर रहे, एक एक महिला को तीन तीन मशीनों पर एक एक महिलाओं को काम करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ इनकी बाकी समस्याएं भी हैं, चाहे वो कोविड के समय में छः महीने तक इनका बेस सेटलमेंट का पैसा ना दिया जाना हो, उस दौरान इनकी अपनी समस्याएं भी हैं, परिवार को छोड़ के ये लोग 24 घंटे यहाँ बैठे हैं, किसी के छोटे बच्चे हैं, परिवार से हैं, और कई लोग ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हैं, ऑन रिकॉर्ड बात करने से भी, नाम देने से भी, क्योंकि नौकरी का आगे का सवाल हो सकता है, इसलिए बोल नहीं रहे, लेकिन उनकी भी अपनी समस्याएं हैं। किसी के परिवार को जाके लेटर दिए जा रहे हैं, परिवार पर दबाव बनाया जा रहा है, जो आप लोगों से अपने घर की महिलाओं से बोले जो आंदोलन से वापस जाएं, और अपने आप में इस क्षेत्र के लिए एक अनोखा है जहां महिला मजदूर प्रदर्शन कर रही हैं अपने अधिकारों के लिए, अपने संघर्षों के लिए। ये आंदोलन आगे किस तरह से चलेगा, आगे और कितना लंबा चलेगा, 15 तारीख से चल रहा है, अब तक मैनेजमेंट और इनके बीच में लगातार इनका दावा जो मैनेजमेंट की तरफ से कोई प्रस्ताव नया नहीं आया है, ना इनसे बातचीत की जा रही है, ये आंदोलन आगे किस तरह से चलेगा वो एक देखने की बात होगी। अभी के लिए बस इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ क्लिक। देश के कुछ राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने लगे हैं, कहा जा रहा है कि देश में वायरस के 2 नए स्ट्रेन उभर रहे हैं। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने चेताया कि ये स्ट्रेन और भी संक्रामक हो सकते हैं। केंद्र ने 10 राज्यों में अपनी टीम भेजी है, जिनमें महाराष्ट्र, केरल, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। देश के कई अन्य राज्यों ने इनमें से कुछ राज्यों से आने वाले लोगों के लिए कोविड निगेटिव रिपोर्ट का होना अनिवार्य कर दिया है। इन सब के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज बुधवार यानी 24 फरवरी को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 13,742 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा कोरोना से 104 मरीजों की मौत हुई है। साथ ही इसी बीच कोरोना से पीड़ित 14,037 मरीजों को ठीक किया गया है और कुल एक्टिव मामलों में 399 मामले कम हुए हैं। देश में कुल मामलों की संख्या बढ़कर 1,10,30,176 हो गई है, जिनमें संक्रमण के कारण 1,56,567 मरीजों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना से पीड़ित 97.24% यानी 1,07,26,702 मरीजों को ठीक किया जा चुका है और कुल एक्टिव मामले घटकर 1.33% यानी 1,46,907 रह गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताज़ा जानकारी के अनुसार देश में अब तक 1,21,65,598 लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी गई है, जिनमें से 4,20,046 लोगों को वैक्सीन पिछले 24 घंटों में दी गई है। ICMR द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार कोरोना के 21,30,36,275 सैंपलों की जांच की गई है, जिनमें से 8,05,844 सैंपलों की जांच पिछले 24 घंटों में हुई है। आज के डेली राउंडअप में बस इतना ही। न्यूज़ क्लिक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए हमारी हिंदी और इंग्लिश वेबसाइट भी जरूर देखें। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमें फॉलो करें।
न्यूज़ क्लिक देखने के लिए शुक्रिया।